हेलो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के इंटरैक्टिव लाइव सेशन में मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ई विद्या के चैनल नंबर नौ पर दर्शकों आपको बताते चलें कि अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा कांटेक्ट नंबर है डबल एट डबल जीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन पर तो बच्चों आपको बताते चले कि आज का सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए है सोशल साइंस के ज्योग्राफी का टॉपिक रहने वाला है क्लाइमेट पार्ट टू जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल जो है बारिश का मौसम चल रहा है मानसून का मौसम चल रहा है अब हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कितने तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं आप जानते होंगे हॉट वेदर सीजन होता है कोल्ड वेदर सीजन होता है और साथ ही मॉनसून का भी होता है तो यहाँ पर आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से सीधा मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के आपको उनसे मुलाकात करवा देते हैं हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर बीरबल लोनीवाल सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ना, हमारे ना। सेशन में आपको बताते चले कि डॉक्टर बीरबल लोनीवाल सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डी ई एस एस एन आई ई एन सी आर टी न्यू डेली से तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम आपका और मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए पिछले सेशन में हमने पार्ट वन क्लाइमेट पर बात की थी तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ों पर बात की थी और आज पार्ट टू पर बात करने वाले हैं तो पार्ट टू में आप क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और क्या बच्चों को बताएंगे वो बताइए जी देखिए पिछली बार हमने जो क्लाइमेट पार्ट वन लिया था उसमें हम लोगों ने क्लाइमेट क्या होता है और वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है उनके बारे में हमने देखा उसके साथ ही हमने देखा कि जो आ, क्लाइमेट है उनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं कौन से फैक्टर हैं जो भारत के जो जलवायु है या क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करते हैं तो हमने देखा कि क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टाइम की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यानी कि नियर मोर देन थर्टी इयर्स तक का जो एवरेज जो एक तरह से वेदर है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं और शो टाइम के लिए जैसे कि आज बारिश हो रही है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा आज जा आंधी आने वाली है तूफान आने वाला है इस तरह का जो है उसको हम वेदर बोलते हैं तो इन चीज़ों के बारे में हमने पार्ट वन में देखा साथ ही जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करने वाले जैसे एल्टीट्यूड है या अक्षांश लेटीट्यूड हैं या डिस्टेंस फ्रॉम सी है इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा आज हम लोग जो क्लाइमेट जो चैप्टर है आप लोगों का कक्षा नाइन का उसमें जो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें देखिए उसमें सीजन्स है तो सीजन्स जो हैं कौन कौन सी सीजन्स हैं और साथ ही जो सीजन्स हैं उनके साथ में जो मान मा, जो रेनफॉल है कि इंडिया में जो रेनफॉल है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे होता है और साथ ही साथ मानसून का एक तरह से हमारे बीच जो एक यूनिफाइन uh, बॉन्ड जो एक uh, संबंध है इम्पोर्टेंस है हमारे लिए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं पहला हम सीजन्स देखेंगे सीजन्स कौन कौन सी हैं उनमें क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं कौन सी सीजन में कब रहती है इंडिया में और उसका तापमान वगैरह है वो कब कितना रहता है साथ ही बारिश है बरसात है रेनफॉल जो वो उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है और एक मानसून का यूनिफाइंग बोन इन पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जी तो जैसा कि सर ने सबसे पहले हमें बता ही दिया और मेरा पहला सवाल भी सर से यही रहने वाला है कि सर किन तरीके के कौन कौन से तरीके के जो हैं सीजन्स होते हैं और साथ ही इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं फिर जी देखिए भारत में जो सीजन्स हैं वो एक तरह से चार तरह की होती हैं जैसे आप लोग पी, -पी में देखेंगे रिदम ऑफ सीजन्स तो रीदम सीजन्स हैं वो फोर टाइप्स में हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं पहला है कोल्ड वेदर सीजन जिसको ठंडा ठंडी जो ऋतु रहती है वो है दूसरा है हॉट वेदर सीजन जिसको गर्मी की ऋतु बोलते हैं और तीसरा आता है जैसे हम लोग जनरली पीछे की कक्षाओं में हमने सर्दी गर्मी और बारिश जो बारिश बरसात है इस तरह से पढ़ा था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए वही है सेम कोल्ड वेदर सीजन सर्दी का ऋतु है हॉट वेदर सीजन जिसको गर्मी की ऋतु बोलते हैं और तीसरी है कि मानसून जब आता है प्री मां, जब मानसून की जो है मानसून की जो ऋतु है बारिश ऋतु उसको टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इधर कि एडवांसिंग रे, रेनी सीजन जिसमें मानसून आता है वो रेनी सीजन है और एक जब मानसून आने का और दूसरा जो उसका लौटने का था रिट्रेटिंग ऑफ मानसून मानसून के बाद की जो ऋतु है जैसे अभी सितंबर अक्टूबर का टाइम है ये एक तरह से मानसून के लौटने का टाइम है तो इसको हम लोग रिट्रेटिंग या रे पोस्ट मानसून बोलते हैं तो यहाँ पर सीजन को चार पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया कोल्ड वेदर सीजन हॉट वेदर सीजन तीसरा मानसून एडवांसिंग मानसून और फिर टाइप फाइव है रिट्रेटिंग या पोस्ट मानसून अब इनकी बारे में हम लोग जो है एक एक करके इनकी डिटेल जो है एक एक करके हम इसकी भारत के ये सब चीज़ें हम इंडिया के रेफरेंस में देख रहे हैं तो एक एक करके हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं पहली है कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर सीजन भी है सर्दी का मौसम है तो भारत में इसका जो टाइमिंग है वो मिड नवंबर से स्टार्ट होकर के फेबरी तक का जो टाइम है यानी कि नवंबर का बीच का अपन नियर अबाउट फिफ्टीन नवंबर के आसपास से स्टार्ट होकर के ये एक तरह से फेबर तक का जो टाइम है वो कोल्ड वेदर सीजन का है इस समय जैसे आप लोग जानते हैं पिछली क्लाशाओं में भी आपने पढ़ा कि इस समय ये जो सीजन है उसमें जो हमारा सन है अर्थ का जो डायरेक्शन है सन के सन का जो डायरेक्शन है अर्थ के ऊपर उसमें एक तरह से सन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है क्योंकि ट्वेंटी मार्च और ट्वेंटी सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को है वो सन का जो सीधा डायरेक्शन है एक तरह से लाइन ऑफ इक्वेटर जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं उसके ऊपर होता है और 23 सितंबर के बाद में धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है वो एक तरह से साउदर्न हेमिसफेयर में साउदर्न हेमिसफेर में जो कि दक्षिणावर्त होने लगता है उसकी वजह से जो किरणें हैं हमारे नॉर्दर्न एक तरह से हेमिसफीयर में तिरछी हो जाती हैं टेढ़ी हो जाती हैं और उसकी वजह से ये जो है सीजन हम लोगों का ठंडा होने लगता है तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर जो दिसंबर और जनवरी का जो सीज़न है वो एक तरह से कोल्ड सीजन में आता है और ये सबसे ज़्यादा ठंडे जो महीने जो हैं इस सीज़न के वो दिसंबर और जनवरी होता है इसमें ज़्यादातर जो है जो विंड्स हैं देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया कि जो आ, सन है उसका डायरेक्शन एकदम से साउथन हेमिसफेयर में होता है तो एक तरह से जो इंडिया है इंडिया का जो एक तरह से जो प्लेन वाला एरिया है हिमालय के जो साउथर्न पार्ट में वहाँ पर या जो उच्च अक्षांश है वहाँ पर एक तरह से हाई प्रेशर जो आ, विंड्स का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है और जो हवाएं हैं जो विंड्स हैं जिसको पवन बोलते हैं उनकी जो दिशा है वो स्थल भाग से एक तरह से जल की ओर ओशियन की तरफ यानी कि लैंड एरिया से एक तरह से ओशियन की तरफ चलती हैं और उसकी वजह से जो हवा है वो जो ऊपर से ऊपर की तरफ से हैं वो ओशियन की तरफ चलती हैं और उनकी जो जो नेचर है वो एक तरह से ठंडी रहती है यहाँ पर इसमें इस मौसम में, इस में जो है एक तरह से जो वेस्टर्न साइक्लोन्स हैं वेस्टर्न साइक्लोन्स इस समय सर्दियों में ही आते हैं और यहाँ का जैसे तापमान है वो एक तरह से डिफरेंट टाइपमान देखने को मिलता है तापमान यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली जो ऊपर का पार्ट है हिमालय का जो जस्ट नीचे वाला पार्ट है या जैसे दिल्ली है या ऊपर हिमाचल प्रदेश है ऊपर श्री जम्मू कश्मीर है या राजस्थान का पार्ट है नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश है इस पार्ट में एक तरह से जो तापमान है बहुत ही कम नोट किए जाते हैं जबकि उसी समय में जो है जो साउदर्न साउदर्न इंडिया है दक्षिणी भारत है उसके अंदर जो तापमान है वो थोड़े ऊँचे होते हैं क्योंकि वहाँ ओशियन इफेक्ट रहता है इसलिए इस इस तो इस मौसम के अंदर जो है नॉर्दर्न इंडिया में तापमान है वो 10 से 15 डिग्री के आसपास रहते हैं जबकि साउदर्न इंडिया में 20 से 25 डिग्री के आसपास तापमान नोट किए जाते हैं स्पेशली जो चेन्नई वाला एरिया है जो तमिलनाडु कोस्ट है या जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर तापमान एक तरह से थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है तो सर्दी की ऋतु में एक वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से जो है सर्दी की ऋतु में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर है हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान दिल्ली ये वाला जो एरिया है इसमें सर्दियों के मौसम में बारिश होती है जिसको लोग मावट बोलते हैं तो ये जो है दिसंबर जनवरी के आसपास जो बारिश आती है वो एक तरह से उसको हम लोग मावट बोलते हैं तो ये कोल्ड वेदर सीजन में ही होती हैं ये सारी चीजें कोल्ड वेदर सीजन है जैसे स्टार्ट कब से हो रही है एक मिड uh, नवंबर से लेके फेबरी तक और मेन जो इसका जो ठंडा मौसम जो देखने को मिलता है वो है दिसंबर और जनवरी में और इस समय में जो इस इस ऋतु की जो मेन है कि वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से यहाँ पर जो एक तरह से बारिश होती है सर्दियों में जो बारिश देखने को मिलती है उसको हम लोग मावट बोलते हैं और तापमान है वो उत्तरी भारत में पूरे उत्तरी भारत में जो है तापमान एक तरह से दस से पंद्रह डिग्री के सर्दियों में या इससे भी कम हो सकते हैं यानी कि जम्मू कश्मीर या जो राजस्थान है वहाँ पर जनवरी या दिसंबर लास्ट में जो तापमान है माइनस में भी देखने को मिलते हैं तो इस मौसम में जो है कई बार स्नोफॉल होता है जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिलता है या जो लैंड एरिया है वहाँ पर कई बार पाला पड़ता है तो ये सीजन है एक तरह से सर्दी के मौसम जो है वो कोल्ड वेदर सीजन है इसके बाद में जो तो दूसरी सीज़न हम लोगों को देखने को है इंडिया में जो दूसरी सीज़न जो है वो है हॉट वेदर सीज़न जिसको हम समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं और ये जो ऋतु है वो मार्च से मार्च से स्टार्ट होकर के मई तक का जो टाइम है उसमें हॉट वेदर सीज़न होती है और यहाँ पर इस सीज़न में जो है अभी मैंने बताया कि जो जैसे सन का जो डायरेक्शन है वो इक्कीस मार्च और तेईस सितम्बर को लाइन ऑफ इक्वेटर पर रहता है और ट्वेंटी फर्स्ट जून को लाइन ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर रहता है जबकि ट्वेंटी टू दिसंबर को जो है उसका जो डायरेक्शन है सीधा वो लाइन ऑफ केप्रिकोन या जो मकर रेखा है उसके ऊपर रहता है तो धीरे धीरे जो सन का डायरेक्शन जो है मार्च के बाद में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहता है और उस समय नॉर्दर्न हेमस्फेयर में रहने से जो सन का डायरेक्शन है वो नियर अबाउट मार्च से ही जो है अप्रैल में जो है एक तरह से जो दक्कन का पठार है जो नीचे का दक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर तापमान एक तरह से अप्रैल में हाई टेम्परेचर नियर अबाउट फोर्टी के आसपास तापमान नोट किए जाते हैं ऐसे ही जो मई का टाइम है या फर्स्ट जून है तो मई का जो टाइम है उस समय जो है आ, मई के एक समय में जो नॉर्दर्न इंडिया है जैसे राजस्थान है उत्तर प्रदेश है या वेस्टर्न इसमें यहाँ पर जो तापमान है पैंतालीस से ऊपर यानी कि बहुत तेज गर्मी का जो मौसम होता है वो मई के मौसम मो, मई का जो मंथ होता है उसमें देखने को मिलता है तो इस समय जो तापमान है पूरे देश में अलग अलग रहते हैं मई जून मई अप्रैल मई का जो मौसम है कि साउथर्न इंडिया में वही तापमान जो ओशियन इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा तापमान आ, कम रहता है जबकि नॉर्दर्न इंडिया में जो है स्पेशली जो वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया है या नॉर्दर्न पार्ट है उसमें जो तापमान है 40 से जो ऊपर यहाँ तक कि 45 से भी ऊपर तापमान यहाँ पर नोट किए जाते हैं तो इस तरह के यहाँ पर समर सीज़न है इस मौसम में जो है बहुत तेज़ तापमान जो है यानी कि राजस्थान से लेकर के पूरा जो एक तरह से छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो झारखंड बिहार तक का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ तक का जो एक तरह से एरिया है उसमें बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और इस समय जो दिन में तापमान बहुत फोर्टी से भी ज़्यादा तापमान रहता है और उस समय जो हवा है वो इस तापमान की वजह से जो है गर्म हो जाती है और तो गर्म हवा जो है उसको हम लोग यहाँ पर लू बोलते हैं तो लोकल विंड्स हैं नॉर्दर्न इंडिया में गर्मी के मौसम में जो बहने वाली जो विंड्स हैं या जो पवन है उसको हम लोग लू बोलते हैं तो लू यहाँ पर एक तरह से गर्मी के मौसम में अप्रैल या मई का जो मौसम है उस समय जो दे है वो नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलती है ऐसे ही जो यहाँ पर एक तरह से बारिश का मौसम के पहले जब गर्मी खत्म होने के आसपास रहती है अप्रैल मई के मई के आसपास जो है तो वेस्ट बंगाल में भी एक तरह से बहुत तेज़ बारिश होती है तो तेज़ बारिश है उसके साथ में कई बार ओलावृष्टि भी होती है तो उसको हम लोग काल बैसाखी बोलते हैं ये बैसाख मंथ में होती है इसलिए इसको हम लोग काल बैसाखी बोलते हैं तो ये लोकल विंड्स हैं ये भी आप लोगों के एक तरह से कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछी जाती हैं आप लोगों को कि हॉट वेदर सीजन में लू से आप क्या समझते हैं लोकल विंड या कालबेसा की क्या होती है या मैंगो शावर क्या होती है तो इस तरह की जो विंड्स हैं उनका हम लोकल विंड्स जैसे तो अभी मैंने बताया कि लू है वो नॉर्दर्न इंडिया में एक तरह से राजस्थान से लेकर के जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है नॉर्दर्न इंडिया में मई और जून के फर्स्ट में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम लू बोलते हैं या मानसून से पहले जो एक तरह से वेस्ट बंगाल में जो तेज़ थंडर स्ट्रोम के साथ में थंडर स्ट्रोम के साथ में जो तेज बारिश होती है कई कई बार वहाँ पर एक तरह से ओलावृष्टि भी होती है तो उसको हम लोग काल बैसाखी बोलते हैं क्योंकि बैसाख मंथ में होती है इसलिए इसको काल बैसा की नाम दिया गया है तो ये बेंगोल में वेस्ट बेंगोल में देखने को मिलती है ऐसे ही शावर कि साउथ इंडिया में जो केरला और कर्नाटका है वहाँ पर प्री मानसून मानसून से पहले एक तरह से बारिश जो होती है उसकी वजह से वहाँ पर एक तरह से जो आम के पेड़ हैं या आम आम जो हैं वो जल्दी पक जाते हैं आम के जो गार्डन है वहाँ पर आम जल्दी पक जाते हैं इसलिए उसको मैंगो शावर भी बोलते हैं तो हॉट वेदर सीजन की ये जो आ, कुछ जो हैं डिफरेंट जो है करेक्ट्रिस्टिक्स हैं जो अलग अलग जो विशेषताएं हैं वो यहाँ देखने को मिलती है इसमें जो अभी मैंने बताया कि इसमें जो है अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है कि जो साउथर्न इंडिया है वहाँ अप्रैल मंथ से ही तेज़ जो तापमान है वो चालीस के आसपास और जो ही मई मही का महीना स्टार्ट होता है तो जो सन है उसका डायरेक्शन जो है उत्तर की तरफ जो है लाइन ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर उच्च तापमान नोट किए जाते हैं तो स्पेशली राजस्थान का जो एरिया है या जो दिल्ली के आसपास जो एरिया है हरियाणा है इस ये वाला जो एरिया यहाँ पर एक तरह से फोर्टी फाइव से भी ऊपर तापमान देखने को मिलते हैं इसके बाद जो आती है वो तीसरा जो है एडवांसिंग मानसून रेनी सीज़न जो है वो स्टार्ट होती है और इसमें इस इस जो ऋतु है इसके अंदर एक तरह से मानसून आने का टाइम को नोट करते हैं और इसके बाद में एक रिटेटिंग मानसून है जिसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं तो एडवांसिंग मानसून क्या है इसका जो टाइमिंग है वो जून से लेकर के सेप्तबर तक का टाइम जो है उसको एडवांसिंग मानसून या रेनी सीजन के रूप में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है आ, बरसात का जो मौसम है वो बरसात जो ये है इस समय जो है आ, जिसका आने का जो टाइम है जैसे आप मैप में देख रहे होंगे जो पीपीटी है उसमें मैप में देख रहे होंगे कि जो आ, बारिश का जो आने का जो टाइम है जो एक तरह से इस समय जो है आ, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में तेज गर्मी की वजह से जो है एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट होता है यानी कि जो तेज़ गर्मी पड़ती है तो हवा है वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा होकर के ऊपर की तरफ उठती है तो उसकी वजह से जो है नॉर्दर्न इंडिया में एक तरह से तेज़ गर्मी की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो जो साउथ की तरफ से जो विंड्स हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं और जो ओशियन है उनके ऊपर से आती हैं ओशियन के ऊपर से होती हुई आती हैं तो उसकी वजह से उनमें नमी भी होती है मॉइस्चर रहती है और उसकी वजह से जो है पूरे इंडिया में जो है एक तरह से जून से लेकर के जो सितंबर तक का टाइम है उसमें बारिश का मौसम रहता है क्योंकि जो विंड्स हैं वो एक तरह से उनका जो डायरेक्शन है ओशियन से एक तरह से लैंड की तरफ रहता है क्योंकि हवाओं हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में एक तरह से तेज तापमान की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ और उसकी वजह से उस प्रेशर लो प्रेशर को जो एक तरह से पूरा करने के लिए जो ओशियन साइड से जो हवा है वो एक तरह से वो इस तरह साउथ से जो है दक्षिण पश्चिमी जिसको मानसून बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून जिसको बोलते हैं वो जो हवाएं हैं वो उत्तर की तरफ बढ़ती हैं तो उनके साथ जो ओशियन के ऊपर से होती है वो कराती हैं इसलिए उनमें थोड़ा सा नमी रहती है मॉइस्चर रहती है और उसकी वजह से जो बारिश है वो एक तरह से होती रहती है तो यहाँ पर देखने को यह है कि, कि किस एरिया में कितना बार वो है कि जो वेस्टर्न घाट है सबसे पहले फर्स्ट जून को जो है लगभग फर्स्ट जून है उसको जो मानसूनी जो एक तरह से रेडी सीजन का स्टार्ट होता है मानसून जो है साउथ वेस्ट मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसको बोलते हैं वो फर्स्ट सबसे पहले जो केरल कोस्ट है वहाँ पर टकराता है और जो वेस्टर्न घाट है वो एक तरह से मोर देन टू यानी कि 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश वहां पर एक साथ देखने को मिलती है यानी कि पूरे ईयर की बात करें तो वहां पर मोर देन 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश वहां पर देखने को मिलती है ऐसे ही जो मास मेघालय है मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां पर भी एक तरह से मोर देन टू सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है लेकिन जो एक तरह से मासिंदराम मेघालय है वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश नोट की जाती है क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर एक तरह से बादल हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं और उसकी वजह से बहुत तेज़ हैवी रेन होती है वहाँ पर और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो नियर अबाउट एलेवन सेंटीमीटर जो बारिश है वो वहाँ पर देखने को मिलती है इस मानसून इस मौसम में कई बार जो है बीच बीच में जो इसका आने का जो टाइम है जैसे फर्स्ट जून को साउथ केरला से स्टार्ट होकर के एक तरह से ये फिफ्टीन जुलाई तक वो ऑल ओवर जो इंडिया है उसको कवर कर लेती है तो एक तरह से इसका जो अलग अलग टाइमिंग है जैसे मुंबई ये दस आ, आ, जो जून जून है उस टाइम को द मुंबई तक आ जाता है फिर फिफ्टीन जो जुलाई है और लास्ट में जो फिफ्टीन जुलाई है ऑल ओवर इंडिया ये कवर कर लेता है यहाँ पर बीच बीच में जो है आ, जो

है, वो रेनी सीजन में ही हम काउंट करेंगे इसको क्योंकि अभी एक तरह से तो वो जो मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून है उसी का जो वो है उसी की वजह से जो है ये अभी तक का जो तीस सितंबर तक का जो टाइम है वो एक तरह से रेनी सीजन का ही है और एडवांसिंग मानसून का ही है धीरे धीरे जो है अभी इसके बाद में जो सितम्बर के बाद में जो एक तरह से लौटता हुआ मानसून होगा और उस तो अभी जो बारिश हो रही है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही है ओके okay. सर अगला क्वेश्चन एक और मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे भारत में मानसून का क्या महत्व है तो इस पर क्या बताना चाहेंगे बच्चों आप पहले एक इसका जो रिटेटिंग मानसून है रिटेटिंग मानसून जो है उसका थोड़ा सा पार्ट और देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए रिटेटिंग लौटता हुआ मानसून है भारत में जो है धीरे धीरे जैसे सितंबर से लेकर के जो 15 दिसंबर तक जो टाइमिंग है वो लौटते हुए मानसून की रहती है और इस समय जो प्रेशर है एक तरह से नॉर्दर्न इंडिया से जो हवाएं हैं वो एक तरह से साउथ की तरफ जो है वो ओशन साइड में चलने लगती हैं तो धीरे धीरे इस तरह का जो अभी जो सन का डायरेक्शन एक तरह से साउदर्न हेमिसफेयर में होगा और धीरे धीरे जो नॉर्दर्न पार्ट है जो स्थल भाग है उसमें एक तरह से हवाओं का जो विंड्स का जो प्रेशर है वो थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होता है उसकी वजह से जो है धीरे धीरे जो हवाएँ हैं वो स्थल भाग से जल भाग की तरफ जो ओशियन है उनकी तरफ चलती है और उसकी वजह से जो है धीरे धीरे जो बारिश का जो मौसम है वो लास्ट में जो एक तरह से नवंबर दिसंबर का जो टाइम है उस समय जो एक तरह से हमारे देश में तमिलनाडु जो एरिया है उसमें इस पोस्ट मानसून या जो रिटेटिंग मानसून लौटता हुआ मानसून है उसमें हमारे यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु वाला जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर बारिश होती है और उसका कारण क्या है कि ओशियन साइड से जो एक तरह से जो हवाएँ हैं वो एक तरह से उस कोस्ट के टकराती हैं तमिलनाडु से टकराती हैं तो इस समय जो सर्दियों में बारिश होती है चेन्नई वाला जो एरिया है उसमें सर्दियों में बारिश देखने को मिलती है तो ये एक तरह से पोस्ट या रिट्रेटिंग मानसून है और इसकी जो डेट हैं जैसे आप मैप में देख रहे होंगे कि फर्स्ट सितंबर से स्टार्ट होकर के फिफ्टीन जो दिसंबर तक का जो टाइमिंग है वो रिट्रेटिंग मानसून का है लौटते हुए मानसून का है इसके बाद इसमें जो एक तरह से अक्टूबर टाइम में इस रिटेटिंग मानसून की एक जो विशेषता और है वो अक्टूबर हीट है अक्टूबर का जो फर्स्ट और सेकंड जो वीक आते हैं उसमें एक तरह से बहुत तेज़ उमस भरा या गर्मी वाला मौसम होता है कि बरसात का मौसम लगभग ख़त्म होने को होता है और उस समय बादल नहीं होते हैं मॉइस्चर रहती है हवा में और तेज़ धूप पड़ती है तो उस समय एक तरह से तो उमस भरा या बहुत तेज़ गर्मी वाला तेज़ हीट वाला सा मौसम देखने को मिलता है तो उसको हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं इस रिट्रेटिंग मानसून में लास्ट में जो है जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे जो जो मानसून का जो लो प्रेशर है वो एक तरह से बंगाल की खाड़ी जो है बे ऑफ बेंगोल की तरफ शिफ्ट हो जाता है और एक साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर एक तरह से लास्ट में जो सर्दियों वाला इस समय जो नवंबर दिसंबर वाला टाइम होता है जैसे मैंने बताया कि तमिलनाडु कोस्ट में जो बारिश होती है ऐसे ही जो कोस्टल एरिया उड़ीसा वाला है वहाँ पर भी एक तरह से ये जो साइक्लोनिक डिप्रेशन देखने को मिलता है उसकी वजह से वहाँ पर बारिश होती है तो ये पूरा का पूरा एक तरह से पोस्ट मानसून या रिट्रेटिंग ऑफ मानसून है इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा है कि इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है कि भारत में जो एक तरह से मानसून की जो बारिश हो रही है उसमें एक तरह से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो देखिए पहले जो वेस्टर्न घाट है हमारा जो वेस्टर्न घाट है केरल कर्नाटका गोवा जो मैंगलोर कोस्ट वाला ये यानी कि साउथ वेस्ट जो एक तरह से वेस्टर्न घाट है उसमें जो बारिश है एक तरह से मोर देन फोर जैसे मैप में आप लोग देख रहे होंगे कि मैप में मोर देन फोर सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है ऐसे ही हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं व हिमालय की वजह से एक तरह वहाँ पर हवाएं रुक जाती हैं और वहाँ पर भी एक तरह से मोर देन 400 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है ऐसे ही जो बंगाल बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर ऐसे ही जो मध्य प्रदेश या जो बीच का पार्ट महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पर एक तरह से 100 से 200 सेंटीमीटर सर थोड़ा सा मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगी हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा दो हुआ है एक मिनट बचा हुआ है तो उसमें अब आप कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे जो आज के टॉपिक को लेकर कुछ हाँ इम्पोर्टेंट हो तो इसमें जो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कि लास्ट में जो है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें राजस्थान राजस्थान वाला जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ तो यानी कि लेस देन 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने, देखने को मिलती है जिसमें लद्दाख वाला है राजस्थान वाला एरिया है तो हमारे यहाँ पर एक तरह से मासी मेघालय जो मोर देन फोर हंड्रेड मोर देन फोर हंड्रेड जिसमें ग्यारह सेंटीमीटर तक मासींदराम में बारिश होती है जबकि जो राजस्थान का पार्ट है जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ ट्वेंटी सेंटीमीटर के आसपास बारिश देखने को मिलता है तो इस तरह का जो एक तरह से अन डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेनफॉल का वो इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हमारे देश में जो है जो बारिश है या रेनफॉल है वो एक तरह से अलग अलग जो है वो देखने को मिलता है इसमें लास्ट में है कि जो मानसून है मानसून हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और उसका हमारे बीच में एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह की इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि हमारे देश में जो है एक तरह से सारी जो ता ता जो फसल है क्रॉप है वो मानसून पे डिपेंड होती है मानसूनी जलवायु है और मानसून के ऊपर डिपेंड रहती है तो उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं मानसून जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट होती हैं जब या फेस्टिवल जो स्टार्ट होते हैं वो एक तरह से मानसून से ही रिलेटेड रहते हैं तो मानसून एक तरह से एक तरह जो ही बारिश की बारिश होती है तो एक क्लाइमेट के साथ साथ में जो मानसून का जो है एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ हैं या तो फेस्टिवल जो स्टार्ट हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं तो इसी के कारण जो है मानसून एक तरह से हमारे साथ एक यूनिफाइंग बॉन्ड है तो चलिए सर बहुत अच्छे से आपने इन बच्चों को समझाया और आज आपने क्लाइमेट पार्ट टू में जाना कि कितने तरीके के सीजन होते हैं और साथ ही मानसून सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या जो है ये हमें हेल्पफुल भी होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आज के सेशन में दोस्तों इतना ही और आज सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में सर मौजूद हैं उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए साथ ही दर्शकों आपको बताएं कि अभी से कुछ ही देर में जो है आप अगला प्रोग्राम भी हमारे चैनल पर देखेंगे जो नाइन्थ क्लास मैथ्स के लिए रहेगा टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम थ्री तो आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही सत्र देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का